हाय देयर, आज आपको MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की थीम नंबर 1 और 2 करवाई जाएगी और इस वीडियो के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले थीम नंबर 1 है जिसका टाइटल है अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग। सो मार्केटिंग का वर्ड जो है वो आया है वर्ड मार्केट से और मार्केट को एज अ नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज़ किया जाता है। लेकिन असल में मार्केटिंग है क्या चीज़? नॉर्मली लोग सेलिंग को या फिर एडवर्टाइजिंग को मार्केटिंग समझते हैं, जबकि मार्केटिंग असल में सेलिंग या एडवर्टाइजमेंट नहीं है। सेलिंग और एडवर्टाइजिंग जो है वो मार्केटिंग का एक हिस्सा है, लेकिन मार्केटिंग के अंदर और भी बहुत सी दूसरी चीज़ें शामिल हैं। सो मार्केटिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए कंपनीज जो है वो क्रिएट करती हैं वैल्यू अपने कस्टमर्स के लिए और कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करती है। मार्केटिंग के अंदर वन टाइम सेल वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता कि सिर्फ एक बार किसी भी तरह चीज़ बिक जाए, ये चीज़ नहीं होती, बल्कि कस्टमर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है और उसके बदले में कंपनी को भी वैल्यू जो है वो रिटर्न में मिलती है, क्योंकि कंपनी जो है वो प्रॉफिट अर्न करती है। और आगे भी क्लियर हो जाएगा मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट कि मार्केटिंग किसको कहा जाता है। सो नीड क्या है? स्टेट ऑफ फेल्ट अप्रिवेशन, एक ऐसी हालत है जहाँ पे किसी चीज़ की कमी है। जब किसी भी चीज़ की कमी होती है तो इंसान को नीड होती है, ज़रूरत होती है। जैसे कि इंसान अगर भूखा है तो उसको खाने की ज़रूरत होती है। उसके बाद है फिर वांट। वांट क्या होती है? वांट नीड के मुकाबले में कम ज़रूरत की चीज़ होती है। वांट किसी एक ख़ास चीज़ के बारे में ज़रूरत को वांट कहा जाता है और किसी भी ज़रूरत के ऊपर इंसान की कल्चर का या उसकी अपनी पर्सनैलिटी का असर पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर भूख लग रही है तो इंसान खाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें खा सकता है। कुछ लोग बर्गर खाना चाहेंगे, कुछ रोटी खाना चाहते हैं और कुछ चावल खाना चाहते हैं। तो ये तमाम वांट्स होती हैं जो कि उनके कल्चर और उनकी पर्सनैलिटी से उनके ऊपर फ़र्क पड़ता है। हर किसी की वांट डिफरेंट होती है। नीड कई सारे लोगों की सेम हो सकती है, लेकिन वांट जो है वो लोगों की डिफरेंट होती है। उसके बाद है फिर डिमांड। अब डिमांड क्या है? डिमांड एक ऐसी वांट होती है जिसके अंदर बाइंग पावर भी शामिल हो, यानी कि ख़रीद भी सके। जो वांट है वो चीज़ ख़रीदी भी जा सके तो उसको बाइंग पावर कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक शख्स बर्गर चाहता है, बर्गर खाना चाहता है और उसके पास इतने पैसे भी हैं कि वो बर्गर खा सके, तो वो उसकी डिमांड हुई। इसी तरह से एक शख्स अगर रोटी खाना चाहता है और उसके पास रोटी ख़रीदने के पैसे हैं तो वो उसकी डिमांड होगी। और इसी तरह से एक शख्स चावल खाना चाहता है, उसके पास चावल के लिए पैसे हैं तो वो भी उसकी डिमांड होगी। सो इसको कहा जाता है डिमांड, के जो वांट है बैक्ड बाय बाइंग पावर है, यानी कि पैसे भी हैं इतने कि उसको खरीदी जा सके। नाउ द वैल्यू। वैल्यू क्या है? वैल्यू जो है वो एक ऐसी चीज़ होती है जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और जिसकी एबिलिटी होती है कि वो गैप को फिल कर सके, किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ह्यूमन प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर सके। असल में वैल्यू जो है वो बेनिफिट माइनस कॉस्ट है। बेनिफिट कॉस्ट में से बेनिफिट में से जब हम कॉस्ट निकालते हैं, जितने ज़्यादा बेनिफिट होंगे कॉस्ट के मुकाबले में उतनी ज़्यादा जो है वो वैल्यू होगी। नाउ द एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या है? एक ऐसा अमल होता है जिसके ज़रिए डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट को हासिल किया जाता है। एक्सचेंज के ज़रिए जब भी एक्सचेंज होती है तो उसके ज़रिए डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट को हासिल किया जाता है। और हमेशा एक्सचेंज में जो है ज़ाहरी बात है दो पार्टीज शामिल होती हैं और वो एक दूसरे को जो है वो कुछ वैल्यू वाली चीज़ देती हैं। उसके बाद है फिर ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या होता है? एक ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर गुड्स, सर्विसेज या फिर पैसा जो है वो ट्रांसफ़र होता है, पास्ट होता है वन पर्सन टू अनदर, वन अकाउंट टू अनदर। नाउ द मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग जो है वो कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट्स का, सर्विस का, इन्फॉर्मेशन का, एक्सपीरियंस का, जो कि ऑफर्ड किया जाता है मार्केट के अंदर ताकि सेटिस्फाई किया जा सके कंज्यूमर की नीड्स या वांट्स को। नीड और वांट क्या है ये ऊपर आ चुका है, अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप दोबारा से उसको सुन सकते हैं। नाउ द मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या है? ये कॉम्बिनेशन है टूल्स का। कौन से टूल्स का? 4 P's का, प्रोडक्ट का, प्राइस का, प्लेस का और प्रोमोशन का। प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि प्रोडक्ट से सोल्यूशन मिलता है कस्टमर को जो भी उसकी प्रॉब्लम होती है उसका। और प्राइस जो है वो रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट को, कस्टमर कॉस्ट को। प्लेस प्रोवाइड करती है कन्वीनियंस। आप कोई भी प्रोडक्ट अगर उसको कस्टमर को, जाहिर बात है जहाँ कस्टमर मौजूद है उसको मिल जाती है तो कन्वीनियंस है उसके लिए।
और प्रमोशन जो है वो कम्युनिकेशन होती है, जो भी प्रमोशन है एडवर्टाइजमेंट वगैरह वो कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद है फिर नेगेटिव डिमांड। अब नेगेटिव डिमांड क्या होती है, जब प्रोडक्ट जो है वो डिसलाइक होती है, टारगेट ऑडियंस जो है, टारगेट कस्टमर्स जो है उसको डिसलाइक करते हैं जनरली तौर पे, उसको जो है वो नेगेटिव डिमांड कहा जाता है। नो डिमांड, नो डिमांड क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई डिमांड ही नहीं है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिसकी डिमांड नहीं होती, कस्टमर जो है वो नहीं खरीदता प्रोडक्ट को, और ऐसा ज़्यादातर तब होता है जब नई प्रोडक्ट होती है, लोगों को पता नहीं होता प्रोडक्ट के बारे में, उसका इस्तेमाल करना लोग नहीं जानते। उसके बाद है फिर लेटेंट डिमांड। लेटेंट डिमांड से मतलब ऐसी डिमांड होती है जो कि फुलफिल नहीं की जा सकती, जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर मौजूद हैं उन प्रोडक्ट से उस डिमांड को नहीं पूरा किया जा सकता, और ऐसा इसलिए भी होता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से भी होता है। नाउ डिक्लाइनिंग डिमांड, डिक्लाइनिंग डिमांड का मतलब ये होता है कि किसी भी रीज़न की वजह से जो प्रोडक्ट की डिमांड होती है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, इनकी गिरना शुरू हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर रीमार्केटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है फिर फुल डिमांड या फिर रेगुलर डिमांड। ये डिमांड तब होती है जब प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो इक्वल होती है प्रोडक्शन कैपेसिटी से, उसको फुल डिमांड या रेगुलर डिमांड कहा जाता है। उसके बाद है इररेगुलर डिमांड। इररेगुलर डिमांड का मतलब ये होता है कि कोई भी एक कंसिस्टेंसी नहीं पाई जाती, जो कंसिस्टेंसी होती है डिमांड के अंदर वो नहीं होती, बल्कि डिमांड जो है वो चेंज होती रहती है डिफरेंट टाइम के ऊपर। उसके बाद है फिर ओवरवेलमिंग डिमांड। ओवरवेलमिंग डिमांड का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो एक्सीड कर जाती है प्रोडक्शन कैपेसिटी को, सो उसको ओवरवेलमिंग डिमांड कहा जाता है। और उसके बाद है फिर अनहोलसम डिमांड। ये ऐसी डिमांड होती है जो कि अनहेल्दी किस्म के प्रोडक्ट के बारे में होती है, ऐसी प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि नुकसान पहुंचाती है कस्टमर्स को। कस्टमर प्रोडक्ट बाय तो कर सकता है लेकिन जाहिर बात है ये नुकसान पहुंचाएंगी, जैसे कि नारकोटिक्स है, ड्रग्स है, सिगरेट्स है, इस तरह की तमाम चीज़ें जो है वो होलसम डिमांड में आ जाती है, इनकी डिमांड जो है। नाउ द मार्केटिंग फिलोसफीज, डिफरेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। आज का जो कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का, पहले के दौर में मार्केटिंग का ये कॉन्सेप्ट नहीं होता था। सो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट था वो था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक कस्टमर ऐसी प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो और इनएक्सपेंसिव हो, जो कि महंगी नहीं हो। सो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक कंपनीज फोकस करती थी हाई प्रोडक्शन के ऊपर, कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो, कॉस्ट कम हो, मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी कि कम से कम प्रोडक्ट की प्राइस हो और उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो, तो उस प्रोडक्शन के ऊपर फोकस होता था। फिर उसके बाद प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया और उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक कस्टमर का जो फोकस था, कस्टमर जो है वो ऐसी प्रोडक्ट्स को फेवर करता है जो कि जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो, फीचर्स उनके अंदर बहुत सारे हों, इनोवेटिव फीचर्स हों। सो जब ये कॉन्सेप्ट आया तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो है वो फोकस किया गया कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के ऊपर प्रोडक्ट्स की। और अक्सर आपने सुना होगा कि लोग इस तरह की बातें करते हैं कि पहले की जो प्रोडक्ट्स होती थी वो काफ़ी रिलायबल होती थी, काफ़ी पायदार होती थी। सो बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी हुई हैं, इसी वजह से वो प्रोडक्ट्स जो है वो काफ़ी रिलायबल होती थी, क्योंकि सारा फोकस जो होता था वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर होता था, प्रोडक्ट के ऊपर होता था। उसके बाद फिर सेलिंग कॉन्सेप्ट का आइडिया आया, कॉन्सेप्ट आया। सो उसके मुताबिक जो है वो लोग जो है वो ऐसी गुड्स और सर्विस बाई करेंगे, प्रोडक्ट बाई करेंगे जहाँ पर एग्रेसिव सेलिंग मेथड्स यूज किए जाएंगे, यानी कि अब जो फोकस होगा वो सेलिंग के ऊपर होगा, लार्ज स्केल सेलिंग और प्रमोशन एफर्ट्स के ऊपर फोकस होगा। और फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो सिंपल वर्ड में कहा जाए तो कस्टमर की नीड को एक्चुअली सेटिस्फाई किया जाए। सबसे पहले कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसी के मुताबिक प्रोडक्ट जो है बनाई जाती है, और ये सब किया जाता है मार्केट रिसर्च के जरिए, और उसके बाद फिर डिलीवर की जाती है कस्टमर को प्रोडक्ट, ताकि सेटिस्फाई की जा सके उसकी नीड। सो ये है असल में मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, यानी कि कस्टमर की नीड को जो है वो फोकस किया जाता है इसमें। और फिर उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बाद, जो कि सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक बैलेंस रखा जाता है, कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाए, कंपनी प्रॉफिट भी अर्न करे, और साथ में सोसाइटी की जो लॉन्ग टर्म वेलफेयर है उसका भी ख्याल रखा जाए।
ये ना हो कि बिजनेस तो प्रॉफिटेबल है, कस्टमर को भी सेटिस्फाई किया जा रहा है, लेकिन जो सोसाइटी है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जैसे कि पॉल्यूशन, इस तरह की चीज़ें जो है वो उनको भी अवॉइड किया जाता है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में। अब हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट ज़्यादातर लोग नहीं जानते और इस पर बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, लेकिन ये कॉन्सेप्ट दुनिया में काफ़ी कॉमन हो रहा है कि सोसाइटी का भी ख्याल रखा जाए। सो नाउ दी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है? एक ओवरऑल प्रोसेस है बिल्ड करने का, मेंटेन करने का, प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप और उनको डिलीवर करते हुए सुपीरियर कस्टमर वैल्यू और सेटिस्फेक्शन। अब आज के दौर में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है जो कि मैनेज करता है कस्टमर रिलेशनशिप को। नाउ दी कस्टमर परसीव्ड वैल्यू, यानी कस्टमर क्या सोचता है। सो व्हेन यू बाय समथिंग यू बेयर सम काइंड ऑफ कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ मनी, एफर्ट्स और टाइम और द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, एंड इन रिटर्न गेट सम बेनिफिट। जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो जाहिर बात है आप कॉस्ट उसके लिए पे करते हैं और भी चीज़ें, एफर्ट्स और टाइम वगैरह भी, इन तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है और उसके बदले में आपको जो है जाहिर बात है कुछ मिलता है, फ़ायदा मिलता है। सो अगर कॉस्ट और बेनिफिट्स जस्टिफाइड हैं या फिर बेनिफिट्स एक्सीड कर जाता है कॉस्ट को, तो जाहिर बात है इसका मतलब है प्रोडक्ट जो है वो वैल्यू वाली प्रोडक्ट है। सो द एक्सटेंट टू विच परसीव परफॉर्मेंस मैचेस अ बायर एक्सपेक्टेशन, जिस हद तक परसीव परफॉर्मेंस मैच करती है बायर एक्सपेक्टेशन को, वो कहलाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। उसके बाद है पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सेट ऑफ सॉफ्टवेयर और स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि कंपनीज यूज करती है ताकि एनेबल कर सके स्मूथ बिजनेस रिलेशनशिप को उनके साथ जो कि पार्टनर हैं मार्केटिंग के ऊपर और जो सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को। अब है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब ये होता है कि एक कस्टमर पूरी अपनी ज़िंदगी में कितनी चीज़ें खरीदता है एक कंपनी से, कितना स्पेंड करता है वो एक कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर, उसको कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कहा जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है एक फीमेल की जो कि लिपस्टिक की कस्टमर हैं और वो जो है ऑन एवरेज ये निकाला गया है कि 10 साल तक उन्होंने लिपस्टिक जो है वो खरीदनी है उस कंपनी की। सो सपोज के एक लिपस्टिक की जो प्राइस है वो है 500 रुपीज़ और वो एक महीने तक चलती है उनके पास, और एक साल के अंदर इसके हिसाब से उन्होंने 12 लिपस्टिक यूज़ करनी है। सो अगर एक साल की प्राइस लगाई जाए जितना उन्होंने स्पेंड करना है तो वो बनती है 6,000, जब 500 को 12 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। और इसी तरह से पूरे 10 साल का अगर हिसाब लगाया जाए कि 10 साल में उन्होंने कितना स्पेंड करना है, सो जो प्राइस बनती है वो बनती है 60,000 की। सो जो उनकी लाइफ टाइम वैल्यू होगी वो होगी 60,000 की। सो इसी तरह से और भी कस्टमर्स की कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू निकाली जा सकती है। तो शेयर ऑफ कस्टमर, शेयर ऑफ कस्टमर जो वो पोर्शन होता है कस्टमर की परचेजिंग का डेट कंपनी गेट्स इन इट्स प्रोडक्ट कैटेगरी। जैसे कि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई एक पार्टिकुलर ब्रांड से और वो बाय करता है ब्रेड उसी ब्रांड के, मिल्क भी, बन भी, बिस्किट भी सेम ब्रांड के। सो जो कस्टमर स्पेंड करता है तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर पार्टिकुलर ब्रांड के, उसको कहा जाता है शेयर ऑफ कस्टमर। उसके बाद है कस्टमर इक्विटी। कस्टमर इक्विटी जो होती है वो टोटल कंबाइंड जो है वो कस्टमर की, तमाम कस्टमर की जो कंबाइंड लाइफ टाइम वैल्यू होती है वो कस्टमर इक्विटी कहलाई जाती है। एक कस्टमर की नहीं बल्कि तमाम कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू, उसको कस्टमर इक्विटी कहा जाता है। उसके बाद है कस्टमर इंगेजमेंट मार्केटिंग। कस्टमर इंगेजमेंट मार्केटिंग डिस्क्राइब करता है स्ट्रेटेजिक अप्रोच को जिसका एम होता है कि मैक्सिमाइज करना एवरी अपॉर्चुनिटी ताकि इंगेज किया जा सके कस्टमर को इस तरीके से डेट दे वांट टू बाय, तो कि वो बाय करना चाहें। और उसके बाद है कस्टमर जनरेटेड मार्केटिंग। अब आज के दौर के अंदर ये काफ़ी एक कॉमन चीज़ है, ये एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसके अंदर कस्टमर क्रिएटेड मटेरियल और फीडबैक का इस्तेमाल किया जाता है। इनके कस्टमर को इनवाइट किया जाता है कि वो डेवलप करें कंटेंट कंपनी की मार्केटिंग कैंपेन के लिए।
और ऐसी ये सब ज़्यादा तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर होता है। उसके बाद है डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। आज के दौर के अंदर जो मार्केटिंग कॉमन है वो डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग है। असल में डिजिटल मार्केटिंग है और सोशल मीडिया मार्केटिंग उसी का ही एक हिस्सा है। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कुछ टूल्स यूज़ किए जाते हैं जो कि डिजिटल टूल्स हैं, जैसे कि वेबसाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, मोबाइल एड्स का इस्तेमाल किया जाता है, ऐप्स का इस्तेमाल किया जाता है, ऑनलाइन वीडियोस का इस्तेमाल किया जाता है, ईमेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लॉग का इस्तेमाल किया जाता है। इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इंगेज किया जाता है कस्टमर्स को। और जाहिर बात है कस्टमर कहीं पर भी होगा, दुनिया भर में कहीं भी उसको इंगेज किया जा सकता है और कभी भी किया जा सकता है। और ये तमाम चीज़ें डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू की जाती हैं। कस्टमर्स के पास जो भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, जैसे कि स्मार्टफोन हैं, कंप्यूटर्स हैं, टैबलेट्स हैं या दूसरी कोई डिजिटल डिवाइस है, उन तमाम डिवाइसेस के जरिए। तो ये हुई थीम नंबर वन। नाउ द थीम नंबर टू, इसका टाइटल है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। सो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है क्या? मार्केटिंग एनवायरनमेंट का मतलब होता है तमाम इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन को, जो कि रिलेटेड होते हैं मार्केटिंग एक्टिविटीज से। और एनवायरनमेंट जो होता है वो माइक्रो एनवायरनमेंट भी होता है और मैक्रो एनवायरनमेंट भी होता है। सो नाउ द माइक्रो एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? माइक्रो एनवायरनमेंट में तमाम माइक्रो फैक्टर्स शामिल होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं बिजनेस स्ट्रेटजी को, डिसीजन मेकिंग को और परफॉर्मेंस को। माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन खुद शामिल होती है, सप्लायर्स शामिल होते हैं, इंटरमीडियरीज शामिल होते हैं, कॉम्पिटिटर्स शामिल होते हैं, कस्टमर्स शामिल होते हैं और पब्लिक शामिल होती है। सबसे पहले है कंपनी जो कि ऑर्गेनाइजेशन है। जब डिज़ाइन की जाती है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज और ऑब्जेक्टिव्स को, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो है वो क्लोज कोऑर्डिनेशन रखते हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो अपने गोल्स को जो है वो सही तरह से अचीव नहीं कर सकते, अपने गोल्स को सही तरह से वो पूरा नहीं कर सकते अगर वो कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ। उसके बाद है सप्लायर्स। सप्लायर्स वो होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं रिसोर्सेस, गुड्स और सर्विसेज के लिए, ये रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं और इक्विपमेंट वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है मार्केटिंग इंटरमीजरीज, ये दरमियान के लोग होते हैं और ये प्रमोट करते हैं, सेल करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंपनी की प्रोडक्ट को एंड यूजर्स तक, उन लोगों तक जिन्होंने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना होता है। और अगर ये लोग कोऑपरेटिव या सपोर्टिव ना हो तो ऐसे सिचुएशन के अंदर कंपनी अपनी वैल्यू को डिलीवर नहीं कर सकती, अपनी प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक डिलीवर नहीं कर सकती। उसके बाद है द कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स राइवल भी होते हैं एक तरफ और इंस्पायरर्स भी होते हैं। कॉम्पिटिटर्स वो लोग होते हैं जो वही चीज़ करना चाहते हैं जो कंपनी करना चाहती है, इसी वजह से ये कॉम्पिटिटर होते हैं। इन दोनों का, इनका टारगेट भी वही होता है जो कंपनी का टारगेट होता है। ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स होने की वजह से कंपनी को अपनी गुड्स और सर्विसेज की प्राइस कट करना पड़ सकती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर हासिल किया जा सके। और दूसरी तरफ कॉम्पिटिटर्स इंस्पायरर होते हैं और इनकी वजह से ही कंपनीज जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती हैं। उसके बाद है कस्टमर्स। कस्टमर्स जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि यही बाय करते हैं कंपनी की प्रोडक्ट्स को। कस्टमर को किंग समझा जाता है बिजनेस के अंदर। उसके बाद है पब्लिक। पब्लिक से मुराद कोई भी ग्रुप होता है जिसका एक्चुअल या पॉसिबल इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टू अचीव इट्स गोल। और पब्लिक्स कई सारी होती हैं, जैसे कि फाइनेंशियल पब्लिक है, मीडिया पब्लिक्स है, गवर्नमेंट पब्लिक है, लोकल पब्लिक है, जनरल पब्लिक है और इंटरनल पब्लिक्स है। फाइनेंशियल पब्लिक्स क्या होती है? फाइनेंशियल पब्लिक्स से मुराद वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो फाइनेंशियल सेक्टर्स में वर्क करती हैं और इन्फ्लुएंस करती है कंपनी की फंडिंग को, जैसे कि बैंक है, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं और स्टॉक होल्डर्स वगैरह। उसके बाद है फिर मीडिया पब्लिक। आज का दौर जो है वो मीडिया का है और इसके अंदर जो जो शामिल है वो प्रिंट मीडिया भी शामिल होता है, टेलीविजन भी शामिल है, न्यूज़पेपर शामिल है और सोशल मीडिया भी शामिल है। उसके बाद है गवर्नमेंट पब्लिक्स। गवर्नमेंट पब्लिक जो होती है ये जो है प्रोटेक्टर होती है स्टेट पब्लिक इंटरेस्ट की और ये केयरफुली तौर पे वॉच करती है और रेगुलेट करती है बिजनेस को और इस चीज़ को देखती है कि बिजनेस जो है वो फॉलो कर रहे हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को और रूल्स और रेगुलेशंस को। उसके बाद है सिटीजन एक्शन पब्लिक्स।
सो देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो कि वर्क करती हैं सोसाइटी के अंदर और वर्क करती हैं डिफरेंट ग्रुप्स के लिए या कम्युनिटी कम्युनिटीज़ के लिए ताकि प्रोटेक्ट कर सकें उनके राइट्स को, और ये ज़्यादातर वर्क करते हैं वॉलेंट्री तौर पे। उसके बाद आई थी लोकल पब्लिक्स। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ वर्किंग इन सम लोकेलिटी और एरिया। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो वर्क करती हैं किसी भी एक लोकेलिटी के अंदर या किसी भी एक इलाके के अंदर। सो नाइबरहुड रेजिडेंट जो होते हैं वो लोकल पब्लिक कहलाई जाती है। उसके बाद है फिर जनरल पब्लिक्स। आ जनरल कस्टमर्स परसेप्शंस और ओपिनियन पोर्ट्रेज दी जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक से मुराद एक जनरल कस्टमर्स का जो परसेप्शन है, जो ख्याल है या ओपिनियन है वो पोर्ट्रे करता है जनरल पब्लिक को। एक अच्छी ब्रांड इमेज या परसेप्शन जो है कंपनी के बारे में, यानी कि एक ख्याल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। उसके बाद है फिर इंटरनल पब्लिक्स। इंटरनल पब्लिक जो है वो वाइटल रिसोर्सेस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ये वो लोग होते हैं जो कंपनी के खुद के अपने एम्प्लॉई होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये कंपनी के अंदर के लोग होते हैं, जब भी इनको इंटरनल पब्लिक कहा जाता है। उसके बाद है मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? मैक्रो एनवायरनमेंट से मुराद वो कंडीशन, सेट ऑफ कंडीशन जो कि एग्जिस्ट करती हैं इकोनॉमी में एज अ होल, पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं ये, किसी भी एक पार्टिकुलर सेक्टर या रीजन में एग्जिस्ट नहीं करती बल्कि पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर। और ये एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जो कि कंट्रोलेबल नहीं होती, जो कि ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर सकती। इसमें पहली चीज़ है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक से मुराद होता है पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना और कुछ फैक्टर्स की बुनियाद के ऊपर पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना, जैसे कि एज, रेस, जेंडर, साइज, डेंसिटी, लोकेशन या ऑक्यूपेशन वगैरह। दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर से मुराद तमाम एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं बाइंग हैबिट्स को कंज्यूमर्स की और बिजनेसेस की, और वो असर करते हैं किसी भी कंपनी की जो है परफॉर्मेंस होती है उसको। नाउ द नेचुरल एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है अगर नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत है, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट से ही नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं जैसे कि वाटर, गैस, ऑयल है, और इन मटेरियल के अंदर, इन रिसोर्सेज के अंदर कमी आ रही है। और इसके अलावा पॉल्यूशन के अंदर भी इजाफा हो रहा है जो कि एक फैक्टर है नेचुरल डिजास्टर का, और इसी की वजह से जो कमी आ रही है रिसोर्सेज के अंदर गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन करती है, मुदाखलत करती है एंड मेक सम एनवायरमेंटल सूटेबल स्ट्रेटजीज, ऐसी स्ट्रेटजीज बनाती है जो कि एनवायरमेंटल एज सूटेबल हो। सो एज अ बिजनेस पर्सन या मार्केटर जो है वो रिकॉर्ड रखना चाहिए जो ट्रेंड हो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर उनका। उसके बाद है फिर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसका मतलब होता है डेवलपमेंट होना टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो कि अफेक्ट करती है बिजनेस को, न्यू इन्वेंशन ऑफ प्रोडक्शन के जरिए और दूसरी इम्प्रूवमेंट के जरिए टेक्निक्स के अंदर जिसके जरिए परफॉर्म किया जाता है बिजनेस वर्क। उसके बाद है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल फैक्टर भी एक एक्सटर्नल फैक्टर्स में से है जो कि बिजनेस को पॉजिटिवली भी अफेक्ट कर सकता है और नेगेटिवली भी अफेक्ट कर सकता है, और बिजनेस जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली तौर पे इन्फ्लुएंस होते हैं और अफेक्टेड होते हैं जो भी चेंजेस आती है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। बहुत अच्छी तरह भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और बहुत बुरी तरह भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं बिजनेस जब भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आता है, गवर्नमेंट जब भी चेंज होती है उससे बहुत बिजनेस के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। और इसी तरह लीगल एनवायरनमेंट होता है। लीगल से मुराद जो भी कानून है, लॉ है, किसी भी कंट्री का जो लॉ होता है उससे भी असर पड़ता है किसी भी बिजनेस के ऊपर। लॉज के अंदर अगर चेंजेस आती है या फिर लॉ फेवरेबल है या नहीं है। उसके बाद है कल्चरल एनवायरनमेंट। कल्चर जो है वो मेजर रोल प्ले करता है किसी भी सोसाइटी का, और हर कंट्री का कल्चर जो है वो अलग होता है। एशियन कंट्रीज के अंदर भी डिफरेंट कल्चर पाया जाता है। पाकिस्तान का कल्चर और चाइना के कल्चर के अंदर डिफरेंट है, कंपेयर
और इसी तरह से डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अंदर डिफरेंट कल्चर पाया जाता है। सो किसी भी कंपनी के लिए कल्चर को आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये हुई थीम नंबर टू। आपको अगर इस बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।